नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे वो सब कुछ लिखा है जिसके थ्रू आप पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में समझ सकते हैं आसानी से कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज़ करेंगे हमारे फंक्शन में और किस लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इसको हम पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। पार्शियल फ्रैक्शन इज अ मेथड। दिस मेथड वी यूज बट व्हेन द गिवन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एस ऑफ डिनोमिनेटर इज टू कॉम्प्लिकेटेड, दैट टाइम वी यूज द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। मतलब कि दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एक मेथड है, उस मेथड को हम फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ऐसा वैसा फंक्शन नहीं जो दोस्तों हम इस फंक्शन को उस फंक्शन में अप्लाई करेंगे जो फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हम उस डिनोमिनेटर के थ्रू हमारा जो गिवन फंक्शन है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमारे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करके उस फंक्शन को डिनोमिनेटर है उसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके हमको क्या करना है, वो फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पढ़ते दूसरा पॉइंट क्या है। फ्रॉम दैट मेथड वी सॉल्व आउट द कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है उस कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, हमारे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वो कन्वर्ट किस में होगा दोस्तों, हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्योंकि ये जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये किसके लिए यूज होती है दोस्तों, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए। ठीक है ना, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए। मतलब कि हमको क्या करना है, इस पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में हमारे लैपलास ट्रांसफॉर्म को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है हमारे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमको क्या समझ में आया यहाँ पे जो लिखा है उसके ऊपर से, कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एक मेथड है, वो मेथड हम हमारे फंक्शन में यूज़ करेंगे बट व्हेन हमारा फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो टू कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमको उस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को डिनोमिनेटर या फिर उस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लैपलास पार्शियल फ्रैक्शन की यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो जो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कौन से फॉर्म में होगा दोस्तों, लैपलास ट्रांसफॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, उस लैपलास ट्रांसफॉर्म को क्या करेंगे दोस्तों, हमको क्या बोलते हैं, लैपलास इनवर्स लेना है उसका। वो क्या होगा, हमारा लैपलास इनवर्स होगा हमारे किसका, इस लैपलास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो समझ गए आप दोस्तों पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। तो दोस्तों अब हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे हमारे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कौन सा फंक्शन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए है वो फंक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको टू कंडीशन में बताऊंगा। उसकी दो कंडीशन है पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, उसको हम चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी पहली केस है, देखो केस वन, केस वन। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारी पहली केस, देखो, इफ द रूट्स आर सिंपल एंड रियल, इफ द रूट्स आर सिंपल एंड रियल, मतलब कि क्या है दोस्तों, अगर हमारे रूट्स जो है वो सिंपल होंगे या फिर रियल होंगे तो हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। देखो उसका उसके थ्रू मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर उस एग्जांपल के थ्रू मैं देखूंगा कैसे हमको उस फंक्शन के लिए हमारा पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, तो दोस्तों हमारा कुछ फंक्शन ऐसा रहेगा, किसके लिए, रूट्स आर सिंपल एंड रियल के लिए। देखो के एस माइनस जेड अपॉन एस माइनस पी वन एस माइनस पी टू एंड एस माइनस पी थ्री। ठीक है, तो दोस्तों इस केस के लिए, इस कंडीशन के लिए हमारे पास कैसा फंक्शन होना चाहिए, ऐसे टाइप का हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, दस वी कैन राइट लाइक दैट, दस वी कैन राइट लाइक दैट। तो दोस्तों हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो
पार्शियल फ्रैक्शन जब मैं इस फंक्शन में अप्लाई करूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको सॉल्व करने के लिए, देखो a अपॉन s माइनस पी वन प्लस b अपॉन s माइनस पी टू प्लस c अपॉन s माइनस पी थ्री, ठीक है दोस्तों। तो इस ऐसे मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड कर लूंगा बाय यूजिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है दोस्तों। अब देखो वेयर ए बी सी जो है, देखो क्या होंगे वो, ए बी एंड सी आर दी क्या है वो, रेसिड्यू रेसिड्यूज एट कहां पे, पी वन पी टू और पी थ्री पे, पी वन पी टू एंड पी थ्री, ठीक है दोस्तों। अब देखो ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ए इक्वल्स टू आएगा ए इक्वल्स टू एस माइनस पी वन इंटू एफ ऑफ एस, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एस इक्वल्स टू पी वन, एस इक्वल्स टू पी वन होगा, एस माइनस पी वन इक्वल्स टू जीरो, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एस इक्वल्स टू पी वन आएगा, ठीक है। ए रहा हमारा ए, इसको ऐसे टाइप हम एक एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारे इस इक्वेशन में पुटअप करके हम ऐसा हमारा फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हम हमारे फंक्शन को लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो बी की वैल्यू क्या आएंगी, बी की वैल्यू आएंगी एस माइनस पी टू इंटू एफ ऑफ एस, यहाँ पे क्या आएगा एस इक्वल्स टू पी टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सी इक्वल्स टू एस माइनस पी थ्री इंटू एफ ऑफ एस, यहाँ पे क्या आएगा एस इक्वल्स टू पी थ्री, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी पहली कंडीशन, जिस एक कंडीशन किसके ऊपर है दोस्तों, जब हमारा हमारे फंक्शन का जो रूट है वो कैसे होना चाहिए, सिंपल या फिर रियल। जब हमारे फंक्शन का रूट सिंपल और रियल होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर उस कंडीशन को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, हमारे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, हमारे गिवन फंक्शन में पुटअप करेंगे। फिर हम हमारे गिवन फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फंक्शन क्या आता है और वो फंक्शन कौन से फॉर्म में आएगा दोस्तों, लैपलास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में हमारा फंक्शन आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दूसरी स्टेप देखते हैं, दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी दूसरी कंडीशन है केस टू। तो दोस्तों हमारी केस टू है, देखो इफ द रूट्स आर रिपीटेड, इफ द रूट्स आर रिपीटेड, मतलब कि दोस्तों एक केस किस कंडीशन के लिए है, हमारे जो फंक्शन के रूट्स है वो रिपीट होंगे, तो हम कुछ ऐसी कंडीशन क्या बोलते हैं, हमारे पार्शियल फ्रैक्शन की कुछ ऐसी कंडीशन आप अप्लाई करेंगे हमारे फंक्शन में, हमारे फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंडीशन को हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो देखो हम एग्जांपल कुछ ऐसे लेंगे, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू के एस माइनस जेड अपॉन, यहाँ पे होगा दोस्तों एस माइनस पी क्यू, ठीक है। तो हमारे इस कंडीशन के लिए कौन सी कंडीशन है, हमारी रूट्स आर रिपीटेड, देखो हमारे यहाँ पे रूट रिपीट हो रहा है एस माइनस पी तीन बार, ठीक है। तो देखो तो इस कंडीशन के लिए कुछ ऐसा फंक्शन होगा और ऐसे फंक्शन के लिए हमको क्या करना है, एक कंडीशन पार्शियल फ्रैक्शन की एक कंडीशन अप्लाई करके हमको वो फंक्शन जो है सॉल्व करना है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है उस फंक्शन को, देखो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कौन सी कंडीशन दोस्तों, जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो देखो दस वी राइट लाइक दैट, दस वी कैन राइट लाइक दैट। तो देखो दोस्तों मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू ए अपॉन एस माइनस पी प्लस बी अपॉन एस माइनस पी स्क्वेयर प्लस सी अपॉन एस माइनस पी क्यू, ठीक है। तो मैं दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ इस फंक्शन के लिए, क्योंकि हमारा जो रूट है वो क्या है दोस्तों, रिपीटेड रूट है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐसे लिखूंगा पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं मेथड अप्लाई करके, ऐसे मैं हमारे फंक्शन को लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो बट
बट इन दैट केस ए बी सी अदर इंस्टीट्यूट बट एट पॉइंट पी, यहाँ पे पी पे है देखो, वेयर ए बी एंड सी आर द रेसिड्यूज बट एट कहाँ पे है दोस्तों, बट एट पी, पी पे है, ये तीनों भी रेसिड्यू है वो कहाँ पे है दोस्तों, पी पे अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो मैं पॉइंट सी से शुरू करता हूँ, पॉइंट सी के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो C इक्वल्स टू एस माइनस पी क्यू एफ ऑफ एस, ठीक है। एस इक्वल्स टू क्या होगा, पी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो B के लिए लिखता हूँ, B इक्वल्स टू वन अपॉन वन फैक्टोरियल, क्या बोला मैंने, वन अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू डी बाय डी एस एस माइनस पी क्यू इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एस इक्वल्स टू पी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए इक्वल्स टू क्या होगा, वन अपॉन टू फैक्टोरियल डी बाई डी एस, ठीक है, एस माइनस पी क्यू एफ ऑफ एस एस इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, इस कंडीशन के लिए हमारा जो फंक्शन है वो रिपीटेड रूट का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जब हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होगा हमारे क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की एक कंडीशन अप्लाई करके हम क्या करेंगे, हमारा फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे या फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड, दिस टू आर द कंडीशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस रूट, एंड आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड दैट वी डिस्कस अबाउट दिस इन दिस लेक्चर। ओके माय डियर फ्रेंड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।